अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, जैसे कि मेरा चैनल भी अभी ग्रो नहीं कर रहा। तो मज़े की बात यह है कि मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स बताऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप अमल ना कीजिएगा। तो मैं ज़रा सा अपने चैनल के बारे में आपको रिव्यू दे देता हूँ कि मेरा साल का क्या था, साल में मैंने पिछले साल मैंने कितने व्यूज़ काउंट किए, कितना वॉच टाइम था, अब कितना वॉच टाइम है और कितना इंशाल्लाह हो जाएगा ऐसा ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँगे, आपने कोई एक टॉपिक चूज़ करना है। एक टॉपिक चूज़ करने से मुराद ये है कि अगर आपने गेम्स के ऊपर वीडियो चैनल बनाया तो फिर गेम्स ही अपलोड कीजिए। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई एक गेम्स की वीडियो अपलोड करते जाएं, आप मुख्तलिफ गेमों की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एक दिन एक गेम्स की वीडियो, एक हफ़्ता गेम्स की वीडियो अपलोड करते हैं, एक हफ़्ता फ़नी वीडियो की अपलोड करते हैं, तो जैसे ही आपका चैनल ग्रो हो रहा था वैसे ही वो डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने एक साल पहले जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था, तकरीबन 2015 को चैनल क्रिएट किया था, साल मैंने वैसे ही चैनल को रखा। 2016 में मैंने कुछ वीडियो अपलोड की, 2-3-4। उसके बाद 2017 आ गया, 2017 में मैंने 2-3-4 वीडियो अपलोड की। अब 2018 आ गया, अब मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की है। मैं अभी आपको अपना चैनल एनालाइट्स पर लेकर जाता हूँ, अभी मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या मैंने किया और कितने व्यूज़ आए और कितना वॉच टाइम मैंने गेन किया, साल का क्या इंप्रेशन था, दो साल हो गए, अब इम्प्रेशन क्या, अब एवरेज व्यूज़, एवरेज ड्यूरेशन क्या है, अब लाइक्स कितने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने किया क्या है जिसकी वजह से मेरे थोड़े थोड़े व्यूज़ आने शुरू हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे कि मैं ये लास्ट वीक अभी मैं दिखाता हूँ, लास्ट वीक में मैंने देखे तकरीबन ये मेरा एवरेज ड्यूरेशन 52 सेकंड का तकरीबन इन्होंने ठीक बताया हुआ। ये मैंने एक दिन का, एक हफ्ते में, यानी कि मैं 24 घंटे में गेन कर रहा हूँ वॉच टाइम, और व्यूज़ तकरीबन 2000 के करीब। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने चैनल बनाया था तब मैंने कितना, अभी मैं 2017 की बात करता हूँ, ये दो एक साल पहले क्या है, एक साल हो चुका और मैंने एक साल में कितने घंटे गेन किए, सिर्फ 20 घंटे। इतना मेरा चैनल डाउन था, अब चैनल थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो गया। अब देखे उस वक्त मेरा व्यूज़ कितने थे, साल के अंदर तकरीबन 1500 व्यूज़ थे साल के अंदर। अब देखें एक हफ्ते के अंदर मैं 2000 व्यूज़ ले रहा हूँ और मेरा वॉच टाइम भी तकरीबन वो भी 1500-1600, यानी कि 24 घंटे आराम से बन रहा है। तो भी मैं वो आपको बताऊंगा कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू की थी जिसकी वजह से मुझे इतने व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। मैंने कुछ ऐसे टॉपिक चूज़ किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, जैसे कि फॉर्टनाइट गेम है, पबजी गेम है, समर टाइम सगा गेम्स है, और इसके लिए फ्री फायर गेम्स है, और आप फार कराए कंप्यूटर की, और मैंने गेम्स के ऊपर चैनल बनाया जो कि लेटेस्ट गेम है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट गेम 2000। ये देखिए सबसे पहले कौन सी गेम आ रही है, फॉर्टनाइट। ये देखिए सेकंड नंबर पे फॉर्टनाइट है, ये पबजी मोबाइल है। अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं करता हूँ दिस वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक दिन पहले की ये बात है, तकरीबन इसने 40,000 व्यूज़ ले चुका डाउन टू टॉप, इसका मेरे चैनल भी मेरा ख्याल हिट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पबजी। ये कितने, अभी इसने 6 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया और इसके व्यूज़ देखे 34,000, एक दिन पहले 7 व्यूज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पबजी। ये देखें 2 मंथ,
दिस वीक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 दिन पहले की ये वीडियो और इसने व्यूज़ देखे कितने, अकाउंट इसे मिल गए 23,000, 4 दिन 22,000, यहाँ से चैनल है 12 घंटे में 8,000। ये फॉर्टनाइट है, ये पबजी मोबाइल है 6 दिन में तकरीबन 86,000। ये आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको लेकर जाता हूँ 7वें पेज पर। चलो वो तो फर्स्ट थे, ये देखें इसने 2 दिन के अंदर स्ट्रीम की है इस गरीब ने, और ये भी मेरी तरह इसने कितने व्यूज़ ले चुका, 4 व्यूज़ ले चुके, ये 14 व्यूज़ ले चुका। ये उन चैनल की बात है, कोई व्यूज़ नहीं, कोई व्यूज़ नहीं। अभी आप सोच रहे हैं ट्रेंडिंग में, ये ट्रेंडिंग में ये 6 दिन पहले इसने ले चुका है, ये तकरीबन 6500 व्यूज़ हैं तकरीबन। ये काफ़ी ज़्यादा हिट गेम हो चुकी है, इसका ट्रेंडिंग है ये। अभी तक मैं सिर्फ ओनली पबजी लिखता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा जो लोग हिट हैं उनके ज़्यादा कितने कितने व्यू। ये 5 दिन पहले की वीडियो अपलोड है, ये इसके 16 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। ये देखें एक गेम का था पबजी टीवी, इसके 11 मिलियन व्यूज़ आ चुके, दो हफ्ते 5 मिलियन व्यूज़, 1 हफ्ते 2 मिलियन व्यूज़, 3 हफ्ते पहले 18 लाख व्यूज़, अभी ये देखें ये 4.5 लाख। ये आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये चैनल जिनके हिट हुए वो हैं। ये 1 हफ्ता पहले इसने स्ट्रीम की है, अभी आप ये देख सकते हैं। ये देखें इसने 7 घंटे स्ट्रीम की है। तो इसी तरीके से बहुत सी गेमें हिट हुई हैं, तो आपने भी ऐसा करना, कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करना जो आपको व्यूज़ और वॉच टाइम ज़रूर देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर वॉच टाइम देगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका कोई चैनल प्रमोट कर देगा, तो ये आपकी सोच है। जितने ज़ालम लोग यूट्यूब पर बैठे हैं, आपका कोई चैनल प्रमोट करने वाला नहीं। अगर आपको किसी को 2,000 दें, 3,000 दें, फिर भी किसी ने आपका चैनल प्रमोट को नहीं करना, सीधी सी बात है। मैंने अपने एक दोस्त से कहा था, उसके पास 500 सब्सक्राइबर थे और उसका चैनल 2014 का बना था। उस वक्त ऐसा कोई यूट्यूब ने पॉलिसी नहीं बनाई थी 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर, उसका वो मोनेटाइजेशन अनेबल हुआ हुआ था। तो मैंने उसे कहा, यार तू तो वीडियो बनाता नहीं, ऐसा कर तू मुझे अपना चैनल दे दे और आधे पैसे तू लेता नहीं और आधे पैसे मैं देता रहूँगा। उसने कहा, नहीं भाई मैंने नहीं देना। चलो तो मैंने कहा, खुद मेहनत करके खुद ही कमाते हैं और खुद ही खाते हैं, और कुछ आपको भी ऐसा ही करना होगा। आपको भी किसी अच्छे गेम्स और अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं आपका दोस्त मिस्टर प्लेमैन यानी कि मोहम्मद उमर इकबाल। ओके, अल्लाह हाफिज़।